होता जब तक जांच नहीं होता, जब तक जांच नहीं होता उसके पीछे षड्यंत्र है, उसके पीछे कोई आधार पर इस्तीफा नहीं है, रेल दुर्घटना के पीछे कोई षड्यंत्र है, उसके रेल लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना के पीछे कोई राज है, बहुत बड़ा राज है, खुलेगा तीन ट्रेन इतिहास में। धर्म सिंह पर क्या कहिए, उसके बारे में नहीं मालूम है हमको, ब्रिजभूषण धर्म सिंह को नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है उसके बारे में। अरे महिला पहलवान इतने दिन से सर बैठे आप कर रहे हैं, दुनिया कर रही है भाई, दुनिया कर रही है, दुनिया भर का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यही दिया ना, कौन दिया है, कौन दिया है आपको नहीं पता सर, नहीं मालूम, मोदी जी दिए हैं, ब्रिजभूषण का गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, ब्रिजभूषण का गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, बलात्कार ब्रिजभूषण कौन है, ब्रिजभूषण कौन है, मैं कह रहा हूँ ब्रिजभूषण कौन है, अभी दो दिन के ब्रिजभूषण कौन है, भूल गिरा है, ब्रिजभूषण कौन है, इधर बोलिए ना, इधर ब्रिजभूषण कौन है, अरे भाग कहाँ है, ब्रिजभूषण कौन है बोलिए, ब्रिजभूषण कौन है, बोलेगा नहीं भाग रहा है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्षी एकता का जो बैठक है वो 12 तारीख को होने वाला था, लेकिन उसको कैंसिल कर करके 23 जून को रखा गया है, जिसमें महागठबंधन के तमाम लोग रहेंगे और विपक्ष के तमाम नेता रहेंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे, और उसके बाद विपक्ष के जितने भी तमाम नेता है वो लोग मौजूद रहेंगे, और उनका एक ही नारा है, एक ही मतलब कहना है कि मोदी को 2024 में आने से किसी भी हाल में रोकना है। हम अभी मौजूद है पटना जंक्शन पर, कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विपक्षी बैठक से क्या नरेंद्र मोदी को कोई परेशानी होने वाली है, या बीजेपी सरकार पर कोई असर पड़ेगा, या नरेंद्र मोदी 2024 में आएंगे या नहीं आएंगे। पटना जंक्शन के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है आप लोगों को, फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे, कह रहे हैं कि विपक्षी एकता की मीटिंग है 23 तारीख को, तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी फिर से वापस आएंगे, विपक्ष तो रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है मोदी जी को कि 24 में नहीं आए, प्रयास कर रहा है, तो हो सकता है सफल हो जाए, कोई कहा नहीं जा सकता है, उस मीटिंग में हम लोग जाएंगे, इसके अनुभव के आधार पर ही बताएंगे कौन कौन आया, कहाँ कहाँ मीटिंग है, पटना में ही मीटिंग है, जिसमें से राहुल गांधी भी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं, ममता बनर्जी भी आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, सब मिल जाएगा, शरद पवार भी आ रहे हैं, सब मिल जाएगा, तो हिला सकता है, हिला सकते हैं, मतलब आपको लगता है, लगता है, आप क्या कहिए 24 में क्या लगता है, सारे विपक्ष मिलकर मोदी जी को रोक पाएंगे, बिहार में तो सरकार, देखिए दो हम विशेष तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 2019 में भी उनको पूरा के पूरा ताकत लोग लगा चुके थे कि मोदी जी को नहीं आने देना है, किसी भी हाल में नहीं आने देना है, लेकिन किसी ने नहीं रोक पाए, तो मुझे तो लगता है कि पूरा एकजुट नहीं, इस बार पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, फिर भी हमको तो लगता है कि उनको एवरी भर कोई हिला नहीं सकता है, अच्छा इस बार कोई नहीं हिलाने वाला है, एवर भर तो उनको पूरा के पूरा लोग चांस है कि अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हैट्रिक लगा देंगे, एकदम बिल्कुल बनेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पर मोदी जी हैट्रिक लगाने वाले हैं, क्या कहिएगा सर मोदी जी हैट्रिक, क्या कहिएगा मोदी जी हैट्रिक लगा देंगे 24 में, नहीं 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 लगाएंगे, वो तो कह रहे हैं मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे बिहार में, खास करके कुछ न होगा उनसे, क्या कहिएगा मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, अभी संभावना कम है, अभी है कम है, हाँ। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी को कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, बीजेपी कह रही है कि मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, नहीं वो तो अपना कहवे करेगा, ऐसा कुछ हाँ। आपको क्या लगता है, हमको तो नहीं लगता तो है, कौन है चेहरा, चेहरा तो अभी अभी वक्त बताएगा ना, विपक्ष का कोई चेहरा पता है, अभी तो नीतीश कुमार अपना दौड़ धूप कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, हाँ। तो बोल रहे हैं कि हमको पीएम नहीं बनना, नहीं हम लोग का तो वही उम्मीद है उन्हीं को, तू तो बोल दिया कि हमको नहीं बनना है, नहीं नहीं ऐसा और नहीं बने तो किसको चाहिएगा, होगा वही सब में होगा, कोई देखिए नहीं तो फिर तो नरेंद्र मोदी है ही है लास्ट में, नरेंद्र मोदी लास्ट में, फर्स्ट में कौन है, अब वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, हाँ। आप क्या कहिएगा चचा, क्या लग रहा है 24 में, 24 में हम चाह रहे हैं कि बीजेपी बने फिर से नरेंद्र मोदी, हाँ फिर से मरवा दीजिएगा, हाँ एकदम, हाँ नहीं मानिएगा, नहीं जी ना, नहीं कहा मानेंगे, अच्छा इधर 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 तो देखिए, मतलब मोदी जी का दो चार काम गिनवा दीजिए, दूसरा काम दो चार वो काम गिनवा दीजिए, बहुत काम किए, बहुत काम किए, अनाज दीन पैसा दीन और क्या कर दो, अनाज जो गरीब को दे रहा सो खाली स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा गलत काम, अनाज जो मिल रहा है बताइए कि अनाज जो मिल रहा है आज पहली बार मोदी सरकार मिला, इससे पहले मिलता था, पहले से नहीं मिलता था, कभी नहीं मिला जीवन में, पहले नहीं मिल रहा था, नहीं मिला अनाज था, चाचा आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं पहले क्या क्या सुनिए ना, हम मेरा पैदाइश सुन लीजिए, पहले मट्टी तेल मिल रहा था, पहले मट्टी तेल मिलता था, उससे पहले, उससे पहले चीनी, हाँ राशन कहाँ मिलता था, राशन नहीं राशन मिलता था, बहुत पहले मिलता था ना, हाँ बहुत पहले, हाँ बहुत पहले, और क्या काम बताएंगे, हाँ महंगाई, महंगाई तो खैर समय के हिसाब से छीबे करेगा आसमान, कहाँ से घर से देगा कोई, आसमान छुएगा नहीं, महंगाई, महंगाई का रोकने वाला कोई नहीं नेता, महंगाई को रोकने वाला कोई नेता नहीं चाहिए, हाँ महंगाई को रोकने वाला कोई नहीं है, मगर मोदी जी चाहिए, कुछ लोग क्या कहिएगा आप,
क्या सवाल 24 में क्या लग रहा है? सारे विपक्ष तो एकजुट हो रहे हैं, 23 तारीख को मीटिंग है पटना में विपक्ष का कहना है कि मोदी जी को इस बार 24 में रोक देना है। नहीं, रोकेंगे तो उनके पास चेहरा भी तो होना चाहिए विपक्ष का, कोई तो चेहरा है नहीं उनके पास। अच्छा, रोकने का कोई चेहरा नहीं? कोई चेहरा नहीं उनके पास। क्या लगता है? मोदी जी बेस्ट हैं, केंद्र के लिए बेस्ट हैं। अभी नीतीश कुमार जी दौड़ धूप कर रहे हैं, बट क्या फायदा उनका दौड़ मोदी जी? नहीं, तो बोल दिया हमको पीएम नहीं बनना है। नहीं नहीं, वो बोल दिए ना, आप तो अपने मीडिया के थ्रू तो आप यहाँ की, आप केंद्र की बात कर रहे हो, आप बिहार की बात करो ना, आप तो यहाँ पे अपना पुल गिरवा दे रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। आप शराब बंद कर रहे हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा है। कोई पुल गिरवा रहा है, कोई ट्रेन टकरवा रहा है। नहीं नहीं, वो भी है, वो केंद्र का है। अपना हम बिहार के हैं तो बिहार की बात करेंगे। देश हम के नहीं है, हम देश के हैं बिल्कुल। पहले हम बिहार की बात करेंगे। हम पहले तो बिहार सरकार को ये देखना चाहिए कि हम बिहार के लिए, बिहारियों के लिए बिहार में रोजगार चाहिए, इसके लिए पहले कदम उठाना चाहिए। जबकि वो पलायन नहीं रुक रहा है हमारा, पलायन रुक रहा है। बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार चाहिए, कौन देगा? बिहार में कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई चीज है, कोई भी ऐसा सरकार छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कौन सी सरकार देगी? अब बदलाव तो चाहिए यहाँ पे, जो भी आएगी वो करेगी सर। अब 17 साल से नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार तो के साथ गठबंधन करके 17 साल थे मुख्यमंत्री। वो तो बीजेपी का चेहरा खड़ा नहीं हुआ ना, वो तो जेडीयू का खड़ा, जेडीयू से थे वो, गठबंधन में थे ना। हाँ, गठबंधन में थे, लेकिन अब तो कोई चांस नहीं है, अब तो कोई चांस नहीं है यहाँ पे। अब तो अब तो यहाँ पे बीजेपी का सरकार आएगा, वो बेस्ट रहेगा। सीएम का चेहरा अब तो बीजेपी के पास भी नहीं अभी यहाँ पे। विपक्ष का देश में नहीं है, बीजेपी का बिहार में नहीं है। बीजेपी का बिहार में नहीं है। क्या कहिएगा सर, क्या लग रहा है? सारे विपक्ष मिलकर मोदी जी को रोक देंगे? नहीं, ना, नहीं। मोदी जी रुकने वाला नहीं है? ना, मोदी रुकने वाला कोई नहीं रुकने वाला। 24 में फिर से कमल खिलेगा, हैट्रिक। हाँ जी। क्या कहिएगा मोदी जी को? फिर होंगे प्रधानमंत्री, और क्या है? फिर होंगे। अभिनव शुभकामना देते हैं। सब लोग बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। आपका दिल क्या कह रहा है? लगता है हो ना, आप क्या कहिएगा? क्या सर, नरेंद्र मोदी जी फिर से आएंगे? हाँ आएंगे, 100% 100% आएंगे। प्लस विपक्ष तो रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। करने दीजिए, मतलब क्या कहते हैं, 23 तारीख को बैठक है। अगर हम विपक्ष का, अगर हम मेहनती है तो मेरा जो काम किया वो रिजल्ट आएगा। अच्छा, 23 तारीख को पूरा विपक्ष का बैठक, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को हर हाल में रोकेंगे हम लोग। आपको लगता है कि मोदी जी को कोई रोक पाएगा? नहीं रोकेगा कोई, मोदी जी आगे जाएंगे। मोदी जी आगे जाएंगे, कोई नहीं रोकने वाला मोदी जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, बताओ इसमें राजा कौन है? कोई बता सकता है इनका राजा कौन है? कोई भी नहीं है। ये 6-6 महीने के लिए देश चला लेंगे क्या, 6-6 महीने राजा बन करके? नहीं, पॉसिबल नहीं है। राजा एक होता, अनेक नहीं होता, वो सिर्फ मोदी और मोदी है। हैट्रिक मोदी लग रहा है, लगने जा रहा है। जनता पक्ष में है, जनता समझ रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग की खेल। लेकिन युवा कह रहा है कि हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये युवा कुछ नहीं कह रहा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की आवाज हो सकती है। युवा नहीं कह रहा है, युवा कुछ नहीं कह रहा है, नहीं कुछ भी नहीं है। कुछ जो आपने वादा किया था, इतनी जल्दी टूटे हुए जो, जिस घर को 70 साल में बिगाड़ दिया आपने, आज 9 साल में बनाने की बिल्डिंग खड़ा करने की बात करते हो? टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उसके ऊपर आरोप लगाते हो जो 9 साल में खेल कर दिया उसने? अब 2 करोड़ वाला रोजगार का बोलिएगा? अरे 2 करोड़ रोजगार जब होगी ना, व्यवस्था व्यवस्थित होगी, मिलने वाला है। आज 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 यहीं पे ही भी घटना घटा, एक पुल गिर गया, आपको पता होगा, एक धराशायी गया, बिल्कुल गलत हुआ, ट्रेन गिरा उस पर बोली, ट्रेन टकरा उस पर बोली। हाँ, ट्रेन पे उसके जांच चल रहा। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा रेल मंत्री? इस्तीफा देने से एक मिनट, आप दूर रहे, उसका भी तो जांच उसके अंदर भी, उसके नैतिकता के आधार पर 2 रेल मंत्री इस्तीफा दिया, आप क्यों नहीं दे रहे? आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट, नैतिकता के आधार पे बोल रहा हूँ, उस पर जांच चल रहा है। रेल मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? रेल मंत्री कैसे इस्तीफा देगा जब तक जांच नहीं होगा? जब तक जांच नहीं होता, जब तक जांच नहीं होता, उसके पीछे षड्यंत्र है, उसके पीछे कोई षड्यंत्र के आधार पर इस्तीफा नहीं है। रेल दुर्घटना के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं दिया था उसके, रेल लाल बहादुर शास्त्री ने, रेल दुर्घटना के पीछे कोई राज है, बहुत बड़ा राज है। खुलेगा, 3 ट्रेन इतिहास में पहली बार टकराया, खुलेगा 3 ट्रेन इतिहास में पहली बार टकराया, आप इंतजार करिए, खुलेगा अभी, खुलेगा, राज खुलने वाला है, राज खुलने वाला, उस पर जांच चल रहा है। अरे बिहार को सुनिए, बिहार के युवा को 10 लाख रोजगार पर ठगा जाता है, भारत के युवा को 2 करोड़ रोजगार पर ठगा जाता है। देना यहाँ की सरकार, देना यहाँ की सरकार, क्या भारत सरकार 2 करोड़ जो वादा की वो देगी ना? कब देगी? कब देगी? 9 गुना 18 करोड़ होता है,
18 करोड़ में मात्र 7.5 लाख मिला, कैसे आप बात कर रहे हैं? क्या क्या मिला? 18 करोड़ में 7.5 लाख रोजगार मिला, पता है आपको? नहीं नहीं, हम क्या बूढ़े हो गए, हमको रोजगार की कमी है क्या? करने वालों को 10 रोजगार है, रोजगार है, अरे कुछ भी करना मत, रोजगार नहीं, इसके लिए रोजगार होगा, बीजेपी वाले जितने हैं भाई उसके लिए रोजगार होगा, पकौड़ा तलना रोजगार है, ठीक है ना? रोजगार के नाम पे सिर्फ ठगी करने का भाजपा सरकार कर रही है, इस बार देश में बदलाव होनी चाहिए। है बिल्कुल गलत है, इतिहास में पहली बार 3 ट्रेन टकराए, उस पर नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोलेंगे? बीजेपी के राज में ही बात ही है। रेल मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा? जैसे भूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? आप नीतीश जी से मांग लीजिए। अरे सुनिए सुनिए, भूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं मांग लीजिए ना? भूषण का गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? आरोपी भूषण कौन है? भूषण कौन है? मैं कह रहा हूँ भूषण कौन है? अभी 2 दिन के भूषण कौन है? भूल गिरा है, भूषण कौन? इधर बोलिए ना, इधर भूषण कौन है? अरे भाग का रहे, भूषण कौन है बोलिए, भूषण कौन है? बोलेंगे नहीं, भाग रहे, बताइए भूषण कौन है? उस पर नहीं बोल रहे, भूषण कौन है बताइए? क्या कोई पहलवान लोग के साथ कितने गलत कर रहे हैं वो सब? उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन सरकार अच्छी से तमाशा देख रही है, एकदम इत्मीनान से कैमरे, सीसी के कैमरे के सामने। लड़कियों के साथ यौन शोषण करने वाला बृजभूषण शरण सिंह संसद नई संसद भवन में जाकर ठहाके मारता है नरेंद्र मोदी के सामने, तनिक भी शर्म नहीं आती कि उसे इस्तीफा मांगे, और ना ही रेल मंत्री इस्तीफा देते हैं, और यहाँ पर बात बड़ी बड़ी की जाती है कुछ लोगों की, सरकार क्यों नहीं जाती, कब होगा, क्यों नहीं हो रही जाती, क्यों नहीं, सरकार में प्रॉब्लम है, रेल मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, कोई जरूरी आप जनता है, आप जनता है तो आप बताइएगा, रेल मंत्री को क्यों देना चाहिए, क्यों नैतिकता के आधार पर? दो रेल मंत्री, लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे दिए थे, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए, अभी एक ये कोई जरूरी थोड़ी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि रेल मंत्री को ही इस्तीफा देना चाहिए। इतिहास में पहली बार हुआ कि 3 ट्रेन आपस में टकराई, इतिहास में पहली बार हुई है, पहली बार हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी है 3 ट्रेन नहीं टकराई है, डबल सर 3 ट्रेन आपस में इतिहास में भारत में पहली बार टकराई, उस पर क्या कहिए? पहली बार टकराई है तो वो बात सही है, उसका कमी थोड़ी ना है, रेल मंत्री का कमी है, वो बैठा था वहाँ पे, किसका कमी? वहाँ का स्टाफ का कमी है, जांच हो रहा है, देखिए किसे कमी निकलेगा उसमें। सर आपको लगता है कि बड़ी मछलियाँ पकड़ में आती है कभी? क्यों नहीं आती है, ऐसा थोड़ी है, छोटी मछलियाँ पकड़ जाती है कभी भी। अच्छा आप किसी कुर्सी पे बैठे रहिएगा, आप चाहिएगा कि नुकसान हो? नहीं नहीं चाहिएगा ना, तो उसी तरीके से रेल मंत्री ने सर नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा देना चाहिए ना? नहीं ऐसा क्यों क्यों देना चाहिए बताइए? आप लाल बहादुर शास्त्री जैसे आदमी दे दिया, अरे आपको अगर कमी होगा तब ना आप दीजिएगा जी, आपका कमी नहीं होगा तो आप कैसे दीजिएगा? तो जांच कैसे होगा? जांच हो रहा है ना, सीबीआई जांच चल रहा है। अच्छा बृजभूषण शरण सिंह पर क्या कहिए? उसके बारे में नहीं मालूम है हमको, बृजभूषण शरण सिंह को नहीं मालूम है, नहीं उसके बारे में, उसके बारे में। अरे महिला पहलवान इतने दिन से सर बैठे आप कर रहे हैं, तो दुनिया कर रही है भाई, दुनिया कर रही है, दुनिया भर का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यही दिया है ना? कौन दिया है? कौन दिया है आपको नहीं पता? नहीं मालूम, मोदी जी दिए हैं, और इन्हीं का संसद पर आरोप लग रहा है, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चिन्मया नंद हो, या अभी बृजभूषण शरण सिंह हो, उसका उसका नहीं है कोई, वो क्यों जी किसका नहीं? अब रेल मंत्री इस्तीफा दे, रेल मंत्री, आप कैमरा चला रहे हैं, फॉल्ट आएगा इसमें आपका, आप जिम्मेवार होंगे? नहीं होगा, मोबाइल कंपनी को पकड़िएगा जी। अरे सर बृजभूषण पर पकड़िए, दोलन बृजभूषण पर बोलिए, गलत है। तो आपने सुना यहाँ पर तमाम मुद्दों पर हमने पूछा कि आखिर भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि फिर से एक बार नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने वाले हैं, और बृजभूषण सिंह पर लोग बोलने से कतरा रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और रेल मंत्री का रेल मंत्री पर पूछा तो रेल मंत्री का लोग कह रहे हैं कि रेल मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जबकि नैतिकता के आधार पर भारत के 2-2 रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया, चाहे वो नीतीश कुमार हो या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, लेकिन नैतिकता के आधार पर इस रेल मंत्री का इस्तीफा लोग कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, जाँच होनी चाहिए, और बृजभूषण शरण सिंह पर कहना है कि जो भी आरोप लगा उसके जाँच के बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो साथी आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट को जवाब जरूर दीजिएगा, अगर आप हमें यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखें तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए, धन्यवाद। देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज़।